नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन पांच की आंच। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। और पांच की आंच में सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। उधर खजुराहो को वंदे भारत ट्रेन की मिली बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े नगाड़े की, जो रामलला को समर्पित किया जाएगा। बात प्रकृति की भी करेंगे। दरअसल रायपुर में अब पेड़ अपना नाम खुद बताएंगे। बात होगी यूट्यूबर एल्विश यादव की भी, जो अब एक बार फिर से मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल में आग के तांडव की। वल्लभ भवन में तीसरी मंजिल पर आग लग गई। मंत्रालय में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फौरन ही इसकी सूचना नगर निगम के फायर कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। हालांकि महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से यहां कर्मचारी नहीं थे, ये गनीमत रही। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर वल्लभ भवन में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। चार कैमरों से आप ये चार तस्वीरें देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे आग की चपेट में कई दूसरे फ्लोर्स भी आ गए। आग पांचवें फ्लोर तक पहुंच गई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दफ्तर है। उधर आग को लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। पहले सतपुड़ा, अब वल्लभ भवन। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। राजधानी भोपाल में आग से हाहाकार। आग का दिखा विकराल रूप। राजधानी भोपाल में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। पहले सतपुड़ा भवन में आग का तांडव दिखा, अब वल्लभ भवन में आग ने कोहराम मचा दिया। वल्लभ भवन के पांचवें फ्लोर तक आग पहुंच गई है। बिल्डिंग में सीएम समेत राज्य मंत्रियों के दफ्तर हैं। धीरे धीरे आग नए भवन की तरफ बढ़ रही है, जहां सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के दफ्तर हैं। आग बुझाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। फायर ब्रिगेड की 50 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने से कई विभागों के रिकॉर्ड जलने का खतरा बताया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब आग लगवाई जाती है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंत्रालय के सामने धरने पर बैठ गए। जीतू पटवारी ने सरकार पर करप्शन छिपाने का आरोप लगाया। आज का दिन फिर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, करप्शन। मैंने हर बार कहा, पर्ची के मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने तीन सी से प्यार कर लिया है, एक कर्ज से, करप्शन से और क्राइम से। करप्शन के फिर एक बानगी मिली है। आज वल्लभ भवन में आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है। प्रदेशवासियों समझो, देखो। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर संज्ञान लिया है, मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले इसका भी ध्यान रखें। सतपुड़ा के बाद वल्लभ भवन में आग की घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच के बाद आग लगने के कारणों का पता चलेगा। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18। तो आग ने अपनी चपेट में कई डिपार्टमेंट्स को ले लिया। कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह से कई विभागों के रिकॉर्ड्स जलने का खतरा है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से विभाग का रिकॉर्ड जलने की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, सबसे पहले गृह, वित्त समेत पांच बड़े विभाग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस आग का असर उन विभागों तक पहुंचा होगा और उनमें जो रिकॉर्ड्स रखे हैं उनके जलने का खतरा बताया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की फाइलें, इनके भी जलने का खतरा है। सीएम शिक्षा अनुदान के रिकॉर्ड भी जलने का खतरा। इसके अलावा ट्राइबल डिपार्टमेंट की कई फाइलों के जलने का भी खतरा या आशंका जताई गई है। तो भोपाल के अलावा प्रदेश के पांच अलग अलग शहरों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। पांच तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि आग का तांडव कैसे प्रदेश के पांच अलग अलग शहरों में दिखाई दिया। पहली तस्वीर ग्वालियर, वहां भी आग लगी। इसके अलावा एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की तस्वीरें आई। इंदौर से पाइप में आग लग गई और इसके अलावा भी दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
में गुना में जलती चिता के सामने तंत्र मंत्र क्रिया करने का मामला सामने आया है। तंत्र क्रिया करते हुए दो तांत्रिक पकड़े गए हैं। उनका एक साथी मौके से भाग निकला। चिता 29 साल के युवक की थी जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि चिता के सामने युवक के भाई, दोस्त और रिश्तेदार रात में शोक सामग्री रखने शमशान पहुंचे थे। उन्हें चिता के सामने तीन तांत्रिक तंत्र मंत्र पढ़ते मिले। वे सिंदूर, चाकू, बाल और दूसरी चीजें वहां पर रखी हुई थी। तांत्रिकों ने चिता की राख को साथ ले जाने के लिए बोतल में राख भरी हुई थी। जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाद में बोले कि हमें जो करना था वो हमने कर लिया। मौके से आरोपियों की बाइक मिली है, पुलिस पहुंची और दो को पकड़ भी लिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले गुना के श्रीराम मुक्तिधाम और बीनागंज के मुक्तिधाम से तीन महिलाओं की राख और अस्थियां चोरी हो चुकी हैं। पहली दफा दो तांत्रिक पुलिस के हत्थे चढ़े जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे भी अग्नि साधना करेगा और अग्नि स्नान वगैरह का उसने मना किया कि फैशन कुछ नहीं करना। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश को एक और सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संचालन की अनुमति दे दी है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। झांसी रेल मंडल के अधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं। ग्वालियर, झांसी, खजुराहो के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वंदे भारत का रूट भी फिलहाल फाइनल हो चुका है। रूट फाइनल होने के बाद अब इसके संचालन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली से खजुराहो तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट बताते हैं। तो ये रूट कुछ इस तरह से होगा कि ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर रुकते हुए ये वंदे भारत पहुंचेगी खजुराहो। करीब 667 किलोमीटर का सफर 6 घंटे 40 मिनट में ये पूरा करेगी। दूसरी ट्रेनों में अभी फिलहाल सफर में 14 घंटे लगते हैं। आगरा, मथुरा में ठहराव नहीं होगा, यानी कि वहां पर ट्रेन रुकेगी नहीं। यानी ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो होगी वो शताब्दी से भी करीब 1.5 गुना ज्यादा किराया बच्चों का भी इसमें लेकिन टिकट लगेगा। तो किराया ज्यादा रहेगा लेकिन सफर आसान रहेगा। और एक बार फिर से आपको रूट बताते हैं कि क्या रूट होगा इस वंदे भारत ट्रेन का। देखिए, जो रूट होगा वो हमने आपको बताया, एक बार आपको फिर से समझाते हैं कि रूट इसका फाइनल हो चुका है और अब इसकी तैयारियों की संचालन। तो दिल्ली टू खजुराहो ये ट्रेन चलेगी, छतरपुर रुकते हुए खजुराहो पहुंचेगी, आगरा मथुरा इसके स्टॉप नहीं होंगे और करीब 667 किलोमीटर का जो है ये कुल मिलाकर के सफर होगा। 6 घंटे 40 मिनट में सफर पूरा किया जाएगा और अन्य दूसरी ट्रेनों में लगते हैं 14 घंटे, लेकिन इसका किराया भी शताब्दी से करीब 1.5 गुना ज्यादा बताया जा रहा है और इसमें बच्चों का भी टिकट लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े नगाड़े की, जो रीवा में बनाया गया है। रीवा में हर साल शिवरात्रि पर कुछ ना कुछ अनोखा देखने को जरूर मिलता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। शिवरात्रि के मौके पर इस विशेष नगाड़े का प्रदर्शन किया गया। शहर में निकाली गई शिव बारात की शोभा यात्रा में इसे शामिल किया गया। खास बात यह रही कि नगाड़े का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से एके जैन ने नगाड़े का बारीकी से परीक्षण किया और उसके बाद इस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की मुहर भी लगा दी गई। ये भी बताया जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े नगाड़े को रीवा से अयोध्या भेजा जाएगा। 12 मार्च को इसे रामलला को समर्पित कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ पर शिव बारात आयोजन जन कल्याण समिति रीवा के अध्यक्ष मनीष गुप्ता जी और उनकी टीम ने एक दावा किया था कि यहाँ रीवा में पहली बार इस तरह के नगाड़ा बनाया गया है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा है। तो रियली जब यहाँ पर उसको देखा गया तो समझ में आया कि ये सच में विश्व का अद्भुत पहला नगाड़ा बना है जिसको उन्होंने क्लेम किया था। उसको मैं वेरीफाई करता हूँ अपनी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम की ओर से। पिछली बार हम लोगों ने खिचड़ा का वो किया था, विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। इस साल हम लोग नगाड़े का अपन ने वो किया है। कितना बड़ा नगाड़ा है ये? गेरा बाई गेरा का नगाड़ा है और करीब समथिंग 8 फीट का ऊँचाई में है और उसमें अपना तो आपको विश्व के सबसे बड़े नगाड़े की विशेषताएं बताते हैं। इसे दरअसल बैजू धर्मशाला में इसका निर्माण किया गया है। तो बैजू धर्मशाला में नगाड़े का निर्माण किया गया। रीवा समेत
बाहर के कारीगर भी आए थे इसके निर्माण के लिए। और जो बाहर से जिन शहरों के कारीगर इसमें जुड़े थे वो थे दिल्ली, अलीगढ़ और प्रयागराज के कारीगर। इस विशेष नगाड़े का जो वजन है वो है 1100 किलो। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12x12x8 नगाड़ा करीब 32 फीट चौड़ा भी बताया जा रहा है। इसे रामलला को समर्पित किया जाएगा। विंध्य समेत पूरे प्रदेश का ये विशेष नगाड़ा मान बढ़ाएगा। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं और पेड़ों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपने कई तरह के पेड़ देखे होंगे लेकिन आपको इनका नाम पता होगा या नहीं होगा, लेकिन किस काम से आते हैं ये तो जरूर पता नहीं होगा। लेकिन अब आपको खुद पेड़ अपना परिचय देगा, खुद पेड़ बताएगा अपना नाम और अपने गुण। इस रिपोर्ट में देखिए। पेड़ बताएगा अपना नाम और काम, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी। रविशंकर विश्वविद्यालय की पहल, QR कोड में पेड़ों की पूरी कुंडली। पेड़ पौधों के बारे में हर कोई जानता है लेकिन उनका नाम, उनके गुण बहुत कम लोग जानते हैं। कई पेड़ औषधि के रूप में काम आते हैं, लोग इसके महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अब आपको पेड़ ही बताएगा कि उसका नाम क्या है और उसका क्या गुण है। यहाँ पर जो कैंपस में बहुत सारे जो सैकड़ों पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उस पर QR कोड लगाया गया है और एक स्कैन के बाद ये आपकी पूरी जानकारी आपके हाथों पर होगी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ का वहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है और किस तरह से दवाएँ बनाई जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि पौधों के संरक्षण और जानकारी के लिए यहाँ पर एक नायाब जो पहल है वो किया गया है और इसे सारी जानकारी है आपको इसके करते ही मिल जाएगी। दरअसल रायपुर में रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से पहल की गई है। प्रोफेसर और छात्रों ने कैंपस के 200 से ज्यादा पेड़ों पर QR कोड लगाया है। इस कोड को स्कैन करने के बाद आपको उसकी प्रजाति और उसके उपयोग के बारे में जानकारी मिलेगी। QR कोड लगाकर जैव प्रौद्योगिक विज्ञान विभाग ने पेड़ों की पहचान को आसान बना दिया है। कोड को स्कैन करते हैं तो इस उस ट्री के बारे में पूरी जानकारी, बहुत सारी जानकारियां आपको सामने आ जाती हैं कि वो पौधा कहाँ मिलता है, उसमें कौन से किस तरह के फल लिखते हैं, उसका क्या उपयोग होता है, उसकी जड़ से क्या होता है, या अगर उसका कोई फल से उपयोग है या उसके पत्तियों का कोई यूज़ है तो उस बारे में सारी जानकारी दी गई है। प्रदेश में कई ऐसी प्रजाति के पेड़ हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे में पेड़ों पर QR कोड लगाना पेड़ पौधों की पहचान के लिए कारगर साबित होगा। न्यूज 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी की रिपोर्ट। अब बात हाथियों के उत्पात की। निरों छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। कई जगह इन दलों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया तो कई जगह घरों तक को तोड़ दिया। हाथी के इस दल के चलते लोग डरे हुए हैं। वन विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। सावधान, आ गए हैं गजराज। जंगल में गजराज का उत्पात, घर और फसल तहस नहस। गजराज ने उड़ाई लोगों की नींद। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियों के चलते लोगों में डर है। सबसे पहले बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र की तस्वीरें देखिए। खेत में लगी गेहूं और मटर की फसल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। उधर नर्सरी में केले के पौधों को भी रौंद दिया है। गजराज के रास्ते में जो आया उसे उजाड़। हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है। उधर अंबिकापुर में भी हाथियों से लोग परेशान है। यहाँ भी हाथियों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि अस्कराव और मालतीपुर गांव में हाथियों का झुंड पहुंच गया है। आए दिन हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही घरों पर भी हमला कर रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब हाथियों ने उत्पात मचाया हो।
हर दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग परेशान हैं, हाथियों के कारण लोगों की रात की नींद उड़ गई है। न जाने कब हाथी घर पर हमला कर दे। उधर जंगल में जाने वाले लोग भी हाथियों से परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।